देखिए, ये 18 साल का जो अभी वर्तमान में हमारे देश में कायदा है बच्चियों का शादी के लिए, लड़कों के लिए 21 साल है, तो मैंने ये प्राइवेट मेंबर बिल इस प्रकार का मूव किया है कि माँ बाप के सम्मति से अगर शादी होती है तो 18 साल जो है वो सही है, अगर माँ बाप के सम्मति के सिवा लड़कियाँ अगर शादी करती है तो उसको 21 किया जाए। उसके पीछे का मेरा भावना यही है कि माँ बाप के सम्मति से हो तो बच्ची को आने वाले दिनों में उसको लाभ होगा। अब उदाहरण के तौर पर एक लड़के के साथ में शादी करना चाहती है, माँ बाप मानते नहीं है, अगर उसके पास समय है, अभी तो 18 साल का है तो जाकर रजिस्टर करके आते हैं, फिर घर के लोगों को मालूम पड़ता है उसने शादी किया है, अगर उसके पास समय है तो माँ बाप भी अपने विचार को बदल सकते हैं, नहीं हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं, लड़का दिखने भी अच्छा है, कमाता भी है, दोनों का प्यार भी बराबर दिखता है, तो वो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। लड़की के पास अगर समय है तो लड़की को भी आगे चलकर पता चलेगा, नहीं जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है ये, वो भी अपना मन बदल सकती है, तो इससे बड़ा लाभ होगा लोगों का। इसलिए कोई लड़की के ऊपर बंधन डालने के लिए, उसका अधिकार छीनने के लिए ये प्रयास नहीं हो रहा है, तो लड़की को और सक्षम, लड़की को और मदद हो, इसके लिए ये मैंने प्रयास किया है। थैंक यू।